क्या वो सीरियस है? उसे फौरन मेडिकल एड की जरूरत थी, इसलिए हम उसे पास के अस्पताल में लेकर आए हैं। ऑपरेशन करके गोली निकाली जा रही है। देखो बेटे, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी। किसे गोली लगी? हम बताते क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहे? आप इत्मीनान रखिए बेगम, हीना को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह के फजलो करम से वो सही सलामत है। दरअसल गोली समीर को लगी है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, गोली मैंने निकाल दी। थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स ऑल राइट। समीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हीना के लिए तूने जो किया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। हीना की जान बच गई, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मुझे घर जाना है, अम्मी अबू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब हम लोग तुझे छोड़ देते हैं, तो मैं अभी बिल सेटल करके आता हूं। हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है? अम्मी, हीना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी दुआओं की लाज रख ली। बेटे, तुमसे बहुत सी बातें करनी है लेकिन बाद में, पहले तुम जाके अपने अब्बू को फोन करके बता दो कि तुम पहुंच गए हो। जी। देखिए ना, हमारी बेटी का फूल जैसा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। बेगम, शगुफ्ता आप हैं लेकिन देखिएगा, हमारी बेटी पर शगुफ्तगी अब यूं आएगी। बेटे, समीर की हालत अब कैसी है? जी, गोली निकाल दी गई है, अब वो सही सलामत है। खुदा करे उनके जख्म जल्दी भर जाए, अगर वो ना होते अम्मी तो अब तो उनके लिए आपके दिल से सिर्फ दुआ निकलनी चाहिए अम्मी, कोई बद्दुआ नहीं। बेटी, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ अपने कमरे में जाओ। जी अम्मी। हेलो हीना। नमीरा, तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। पता है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। तुम ठीक तो हो ना? हाँ नमीरा, अभी सबसे मिलकर जरा जान में जाना है। पता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। उस बदमाश ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की ना? नमीरा, इससे ज्यादा बदसलूकी क्या हो सकती है कि मुझे किडनैप करने वाला जाबिर निकला। जाबिर? वो अकरम की फूफी का बेटा? हाँ, वही बदमाश, और हमें धमकी भरे फोन करने वाला भी वही था। अभी वो पुलिस की हिरासत में है। होना भी चाहिए, उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हीना, अब तो तुम्हारे वालदेन का दिल समीर की तरफ से साफ हो गया होगा ना? हाँ नमीरा, नमीरा, अच्छा नहीं हुआ कि मुझे बचाते हुए समीर को गोली लग गई। और क्या, समीर को गोली लग गई? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है नमीरा, गोली निकाल दी गई है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ नमीरा। क्या कह रही थी नमीरा?
मेरी वापसी पर बहुत खुश थी। कौन खुश नहीं है हीना? हीना, हम सब ने तुम्हें बड़ी दुआओं और मुरादों के बाद पाया है। तुम्हारे बगैर तुम्हारी अम्मी अब्बू की तो यह हालत हो गई थी जैसे उन्हें जानी ना हो। यहां अब्बू की वजह से जबान छिन गई थी, उनके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सबके दिलों को ऐसा सदमा पहुंचा था जैसे जैसे कयामत उन्हीं पर टूटी हो। आपने अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी उजड़ गई थी तो तुम सही समझती हो। हीना, मैं दीवाना हो गया था। ना दिन को सुकून था ना रातों की नींद। हीना, मुझे तो तुम्हारी इस जुदाई का इतना गम नहीं था, बस ये सोच के परेशान होता था कि तुम वहां पे कैसी रही होगी। और मेरी भी जान यही सोच सोच के निकली जा रही थी कि मेरी किडनैपिंग पर आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। हर पल मुझे यही डर था कि आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। उस एक पल में सचमुच मुझे भी ऐसे लगा जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा जब जाबिर ने तुम पे गोली चलाई। वो तो भला हो समीर का जिसने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचा लिया। मेरे मन में ये पछतावा हमेशा रहेगा कि मैंने समीर पर शक किया। मुझे लगता था कि तुम्हारी किडनैपिंग में उसी का हाथ है। शुक्र है हमारा शक दूर हो गया। हाँ, हमारा शक तो दूर हो गया ही ना, मगर इस बात का भी यकीन हो गया कि समीर को अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी परवाह है। समीर, समीर लो दूध पी लो। ये लो आस्था। दूध में हल्दी मिलाकर लाई हूं, फायदा करेगा तुम्हें, लो। शुक्रिया खाला जान। तो फैजान भाई अब क्या कहते हो? उस दिन अपने बेटे पे बड़ा शक कर रहे थे कि हीना के किडनैप में उसका हाथ है, अब असलियत आ गई ना सामने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपा, मैं अपने बेटे पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था मुझे। लोग जैसा कह रहे थे वैसा मैं भी सोचने लगा। आपने दूसरों पे भरोसा किया जबकि आपको अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए था। मैं अपने बेटे से अपनी इस गलती की माफी चाहता हूं। अबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मुझसे माफी मांगे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। गलती मुझसे हुई है, तुम मेरे बेटे से ही, लेकिन मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। अबू, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि सरफराज भाई और मिर्जा साहब को भी समीर से माफी मांग लेनी चाहिए। बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया हमारे बेटे पर। उनके मुंह पे तो जैसे तमाचा पड़ा है आपा, अब तो वो समीर के साथ नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। अब जब भी मिर्जा साहब से मेरा सामना होगा मैं तो उनसे आंखें मिला के बात करूंगी। इस बात को उनके सामने जताऊंगी कि अगर हमारे समीर ने अपने आप पर गोली ना ली होती तो वो गोली तो हीना का काम तमाम कर देती। आज अगर हीना सही सलामत है तो हमारे समीर की वजह से। छोड़िए आपा, अब जो अपने आप से शर्मिंदा हो उसे और क्या शर्मिंदा करना। अच्छा भाई, मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं चलता हूं। बेटा आराम करो। जाओ बेटे, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम करो। नहीं अम्मी, मैं यहीं ठीक हूं। खाला जान प्लीज, पीने का मन नहीं कर रहा है। तुम दवाइयां वक्त पे लेते रहे तो देखना तुम्हारे जख्म जल्द भर जाएंगे। लेकिन गुलनार, जो जख्म हमारे दिल को मिले हैं वो कब भरेंगे? इस वक्त हमें अपनी नहीं समीर के दिल पर लगे जख्म की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसका इलाज सिर्फ रूबी है। न जाने मेरा मतलब तुम कब समझोगी। अब ये आप दोनों क्या बातें लेकर बैठ गई। बेटे, मैं और तुम्हारे अब्बू बस तुम्हारे भले की सोचते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटी तुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो तो। समीर को क्या हो गया? क्यों, तुम्हें पता नहीं? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि समीर को क्या हुआ है। आखिर हुआ क्या इन्हें?
गोली लगी है उसे। किसने गोली चलाई? तुम तो जानती हो बेटी, हीना का किडनैप हो गया था। अक्रम के साथ समीर भी वहां पहुंचा और हीना को बचा दे इसे गोली लग गई। इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। समीर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं हीना को कभी माफ नहीं करती। अम्मी, आपने ठीक कहा था, मैं अपने कमरे में जाता हूं। देख लिया, समीर तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। आखिर कब वो समझेंगे कि मेरे दिल में सिर्फ उन्हीं के लिए जगह है? जब तक समीर के दिल में हीना है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर तुम्हें समीर को पाना है तो उसके दिल से हीना को निकालना होगा। आप मुझसे इतनी हमदर्दी की बातें क्यों कर रही हैं? आप तो मुझसे नफरत करती हैं और आप ये नहीं चाहती कि मैं इस घर की बहू बनूं। वक्त वक्त की बात है, वक्त के साथ ख्यालात भी बदलते रहते हैं। आखिर मैं समीर के दिल से हीना का ख्याल कैसे निकालूं? ना ही तुम्हें हीना से कोई बात करनी है, ना ही समीर से। अब जो भी बात करनी होगी अक्रम से करनी होगी। समझ गए ना मेरा मतलब? अबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, बैठो। बेटे, मैं तुमसे इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि जब तुम हिना को लेकर लौटे तो मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहां मौजूद नहीं था। अबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे, आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर का पहला फर्ज होता है अपने मरीजों की देखभाल। मुझे खुशी है कि आपने अपने फर्ज को अहमियत दी। वहां जो कुछ भी हुआ मिर्जा साहब ने तो मुझे बता ही दिया, और ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि समीर जख्मी हो गया। अबू, आपको इसकी आयादत के लिए जाना चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए और जाऊंगा जरूर। अब समीर कैसा है? अब बहुत बेहतर है। काश फैजान के और मेरे ताल्लुकात में भी पहले की तरह सुधार आ जाए। बेटे, वैसे हमने अपने शक का निशाना समीर को बनाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। एक भूल हमने और की है अबू, जाबिर को अपना समझ के। अरे, वो तो गैरों से भी बदतर निकला। धमकी भरे फोन करके हमें ज़हनी अज़ियत पहुंचाता रहा, और हीना का किडनैप करके तो उसने वैश्य होने का सबूत दे दिया। हम उसे अपना समझते रहे और वो वास्तीन का सांप निकला। मैं उसे अपना भाई समझ के दूध पिलाता रहा, उसने हमें डसने की कोशिश की। अच्छा है कि अब वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अबू, आप उसकी जमानत के लिए नहीं जाएंगे और ना ही उसकी सजा कम और उसे माफ करने की अपील करेंगे। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। बेटे, उसने गुनाह किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो सजा मुझे मिल रही है उसके तो तुम्हारा ध्यान नहीं है। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तुम्हारा होटल पूरा हो चुका है और एक तरीके से तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है, लेकिन मेरा एक ख्वाब है बेटे। मैं इस घर में एक बच्चे के हंसने खेलने की आवाज सुनने के लिए बेताब हूं। बेटे, मैं बाप बनने के लिए जितना बेकरार था ना, उससे ज्यादा बेकरार दादा बनने के लिए हूं। ना ही तुम्हें हीना से कोई बात करनी है, ना ही समीर से। अब जो भी बात करनी होगी अक्रम से करनी होगी। अब जो भी बात करनी होगी अक्रम से। जो भी बात करनी होगी अक्रम से। अब जो भी बात करनी होगी अक्रम से करनी होगी। या सिनेमन, इससे पहले कि तुम इंस्टॉलमेंट्स ना भरने वाले नोटिस के बारे में बात करो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज लिखे थे उसी के बुनियाद पे हमें ये एक्शन लेना पड़ा।
मैं यहां तुम पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आया हूं और ना ही कोई शिकायत करने आया हूं, उल्टा मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो किस लिए? देखो, अगर तुम एक्शन नहीं लेती तो मैं इंक्वायरी नहीं करवाता और वो पकड़ा नहीं जाता जो मेरी कंपनी के साथ गबन कर रहा था। मैंने वो चेक्स लोन के इंस्टॉलमेंट के उसी को दिए थे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए और वो बहुत ही चालाकी से अपना खेल खेलता रहा। मगर वो है कौन? मेरी कंपनी का मैनेजर रूबी। अगर तुम एक्शन नहीं लेती तो शायद मुझे और भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। तुमने धोखा खाया, तुम्हारी गलती। पता है अकरम, तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, तुम किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हो और लोग उसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। दोस्त बनकर चीट करते हैं। तुम अब भी अगर मेरी बात नहीं समझे तो अकरम, लोग उसी के लिए जान देते हैं जिसे अपना दिल देते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। रूबी, रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। टूटे हुए आईने को कितनी ही खूबी से क्यों ना जोड़ा जाए, उसमें दरार तो रहेगी ना। क्यों?